उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। ये चीज महसूस करनी होगी कि ये सभी छात्र छात्राएं हमारे लिए एक धरोहर है, एक एसेट है। इन्होंने कक्षा 12वीं में, कक्षा 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे नंबरों से ये बच्चे पास हुए हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि इन्हें हम इनकी मंजिल तक पहुंचाएं। और इसके लिए माता पिता का बहुत बड़ा फर्ज बढ़ जाता है। जब इस तरह से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और बहुत बड़ा योगदान होता है माता पिता का बच्चे की परवरिश में, बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं कक्षा 5 में पढ़ा करता था तो मैं अपने ही पिताजी जहां पर अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ता था। तो जब कक्षा 5 की छुट्टियां हुआ करती थी, जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, तो उसी दौरान वो कक्षा 6 का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा देते थे उन छुट्टियों में, उन 1-1.5 महीने की छुट्टियों में। और इसी तरह से अगले क्लासेस के लिए भी यही क्रम चलता रहता था। और ये आप क्योंकि यहाँ पर मैं जहां पर अभी काम करके आया हूँ, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, जो हमारे उत्तराखंड के जिले हैं, इनमें जो शिक्षा का स्तर है और जो बच्चों को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो यहाँ की तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास संसाधन है, रिसोर्सेस हैं। तो आप लोगों के लिए ये और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कुछ करके दिखाएं। वहां पर हम जब पहाड़ में मैं था तो मुझे वहां पर भी बच्चों से काफी इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। जनरली हम लोग स्कूल में चले जाया करते थे और वहां पर का जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें और जो मेट्रो सिटीज हमारे यहाँ पर दिल्ली में, इसमें काफी अंतर है। तो इसीलिए आप लोगों की और ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती है कि हमारे बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और जो भी आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए देखिए हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। कठिन परिश्रम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। और यहां से कक्षा 12 से, क्योंकि दिल्ली में और जो भी हमारे मेट्रो सिटीज है वहां पर सभी बच्चे हमारे कक्षा 9-10 से ही अपने लक्ष्य बना लेते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने लिए लक्ष्य बनाए होंगे कि आपको आगे क्या करना है, और निश्चित रूप से आप उसमें प्रयास भी कर रहे होंगे। लेकिन जो कठिन परिश्रम है उसका कोई अल्टरनेट नहीं, उसका कोई भी दूसरा तरीका नहीं है कि उसके अलावा किसी और चीज से आपको सफलता प्राप्त हो। आप लोगों ने सुना होगा कि एक कहावत है कि जो जहाज है, पानी का जहाज है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे पर होता है, बंदरगाह पर होता है। लेकिन जहाज बंदरगाह पर रुकने के लिए नहीं बना होता है, वो समुद्र की लहरों में उतरने के लिए बना होता है। वही चीज हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि हम लोग जब तक अपने कंफर्ट जोन में है, हम लोग अगर कहें कि हमें बहुत ही सरल सा लक्ष्य प्राप्त करना है जिसमें कोई मेहनत नहीं है, वो हमारे लिए सबसे आसान होगा। लेकिन हमारा जीवन उस सरल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं बना है। हमारा जीवन बना है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो हमारी इच्छा है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे हैं, आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे, और निश्चित रूप से उम्मीद है मुझे कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सभी अभिभावक भी मौजूद हैं, तो मैं आपसे एक बात भी बोलना चाहूंगा कि अपना बच्चू था आप कभी अपने बड़ा भाव से अलग नहीं करो। ये मैं हर मीटिंग में बोल दूं और जब भी मैं पेन बताई, जब हम मेरी लगी कक्षा 8 तक घर ही पढ़े उसको गाँव में, हमारे गाँव में नाम टाणियों में, तो हम तक है कि जब भी गर्मी छुट्टी हो जाए 5 अप्रैल 5 जून में, सब हमारे गांव में जितने भी लोग भाई बहन हैं, कोई दिल्ली रहने, कोई देहरादून रहने, कोई मुंबई रहने, सब एक न एक बार अपने गांव आते हैं, अपने घर का द्वार खोलते हैं। और हमारे पूजा हूं भगवान जो हमारा इष्ट देवता जी हूँ, पूजा हूं वो भी पूजा भाई एक दिन
पूरे गांव का जितना भी लोग जे भी देश के भी कोने में रहे पर वो वापस जरूर आना चाहिए एक बार पूजन। तो वो बहुत बड़ी परंपरा है और वो बहुत बड़ो सहारा है वे गांव का, जो गांव आजकल खाली होना चाहिए हमारा, वे गांव का सहारा है एक दिन या वो एक महीना जल जल भी दिन का हमारा लोग फिर भी आना चाहिए गांव वापस अपने गांव। तो वो गांव में एक खुशहाली आ जाए, एक माहौल इन बन जाए और वो गांव भी दोबारा एक बार जिंदा हो जाए। तो वो जो लगाव से आप जो जड़ों से जुड़ाव से वो कभी नहीं छोड़ो, मैं आप सब लोगों से भी निवेदन कर दूं और इतना उम्मीद भी थी कि आप लोग सब अपने घर से सब जुड़े हमारे अपने अपने गांव से अपने अपने जिलों से आप निश्चित रूप से आप सब लोग अपने गांव जान लिया रंजौला और निश्चित रूप से आप लोग भी अपने गांव का जो लोग थे उनसे जुड़े हमारा और किया कि हम लोग भय रहना जब अपनी अपनी दिल्ली आए आप सब लोग पहले बटे दिल्ली रहना चाहिए तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ जाती है अपने गाँव के प्रति। आप सब लोग को दिया कि कोरोना काल में हमारा गाँव ही है जो हमें सहारा दे सकता है, हर जिले में चाहे वो छोटे से छोटे जिला से चाहे बड़े से बड़े जिला हजारों लोग हमारा इन्हें चाहे जो वापस आए और गांव में ही वापस और सुरक्षित रूप से अपने गांव में रहे, गांव रहेगी अपना लोग से मिली सब पर गांव कभी नहीं आया कि भाई इधर लोग का घुड़ाएगी, सब आराम से वो गाँव में सबूत बड़ी सावधानी से बड़ी साहस से बड़ी हिम्मत से कोरोना से लड़ी सब हमारा गाँव। तो अपने गांव के प्रति जो प्रेम चे अपने गांव के प्रति जो लगाव चे हम लोग को भी चाहूं कि आप अपने बच्चों से भी ये सिखाओ और हर कम से कम साल में एक बार जरूर अपने गांव में अपने बच्चों से ले जाओ और दिखाओ कि हमारी हमारे इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और हम उत्तराखंड के लोग आप सब लोग जब रचन की हम कहीं भी देश में कई भी राज्य में जाओ कहीं भी शहर में जाओ तो सब लोगों की इंप्रेशन है कि भाई उत्तराखंड का लोग सीधा साधा लोग ईमानदार लोग छे। तो ये हमारी पहचान है हमारी ईमानदारी हमारो सीधो साधु व्यवहार और हमारे साफ मन ये पहचान है हमारे उत्तराखंड की, हमारा उत्तराखंड का जितने भी लोग चाहे वो देश के भी कोने में रहे ये हमारी पहचान है। वो पहचान हम लोग को कभी नहीं छोड़ रहे क्योंकि आप कहीं भी जाओ तो सब लोगों को ये इंप्रेशन है कि हाँ ये उत्तराखंड का छे तो ईमानदार लोग छे विश्वास जो बरकैद शब्द है वो लोग छे और यहाँ की वजह से आज उत्तराखंड का लोग जो भी छे आप देखो बड़ी बड़ी जगहों पर छे बड़ी बड़ी जगहों पर काम करना छे और पूरे देश और विश्वास जो पर कि हाँ ये काम करना छे तो ये बढ़िया काम करना छे। तो वो सब वो पिछली जो कारण जो ये छे उत्तराखंड से जुड़िया छो हमारी जड़ उत्तराखंड से जुड़िया छे तो बच्चे गड़बड़ी भाषा हो ये भी मैं आप सब लोगों से निवेदन कर दूं कि अपन गढ़वाली भाषा है जब ये आप लिया कि एक गढ़वाली तहसील सब इनका सालों बटे काम करे थे तो निश्चित रूप से आप सराहना का पात्र छो आप प्रशंसा का पात्र छो कि आप इनका साल बटे सब अपना जो दिल्ली में गढ़े लोग रहना शुरू था एक जगह इकट्ठा करना चाहिए और आपस में इन मिली की कोई भी आज ये प्रतिभा सम्मान समारोह है जन आप लोग की आप वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह कर रहे हैं या फिर कोई इन्हीं कार्यक्रम है जब सब एक बार मिली बैठ गया आपस में आप एक दूसरे से जुड़ने को मौका मिलता है एक दूसरे गांव से जुड़ने को मौका मिलता है बच्चों को मौका मिलता है कि है बच्चे जो आ रहे हो कहे गांव का छे तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ बढ़ता है तभी गढ़वाली तहसील सब बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में मंगलेश घिनियाल जी हैं, मंगलेश घिनियाल जी आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की शान है, इन्होंने एक डीएम के तौर पे बागेश्वर टेहरी और रुद्रप्रयाग में जो कार्य किए हैं उसका पूरा उत्तराखंड याद करता है और आज कल वो दिल्ली में पीएमओ ऑफिस में है। घिनियाल जी सबसे पहले आप दिल्ली आने के बाद शायद आपको पहले कार्यक्रम जब आप शिरकत करना चाहिए तो कल लगड़ो आप तैयार देखिए बहुत बढ़िया मतलब दिल्ली आए आज चार महीने देगी पहली बार अपन गढ़वाली का अपन क्षेत्र का सब लोग से मिलने का मौका मिला अभी तक कि जन माहौल अच्छा गढ़वाली का माहौल अपनी माहौल भी तैयार की देखिए बहुत बढ़िया लगे अपना लोग मिली अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी बोली और अपना चेहरा से सबसे मेन गढ़वाली दूसरी सभा द्वारा जो कार्यक्रम तो इतने छात्रों का प्रोत्साहन देने को वास्तव होते हैं पुरस्कृत करना चाहते हैं आपसे की कार्यक्रम बच्चों का विकास का वास्ता उनका आगे बढ़ना वास्ता कद का कारगर सिद्ध हो सकता है
जना देखिए इन कार्यक्रम बहुत जरूरी छे। जब कोई बच्चा कई क्लास में बढ़िया नंबर से पास हो या टॉप कर जा तो वो उत्साह बढ़ाना खड़े अग्ने वो बच्चा और ज़्यादा मेहनत कर लो वह खड़े से बहुत जरूरी है कि मोटिवेट करो। तो गढ़वाल इंडस्ट्री सफल जीव कार्यक्रम का ये नज़र में बहुत ही उत्तम कार्यक्रम है और इन कार्यक्रम तो लगातार करना चाहिए और जो भी बच्चा अग्नि बढ़ने की कोशिश करना चाहिए वह प्रोत्साहित करना हमेशा प्रयास करना चाहिए। मुझे भी जनाब मैं झूठ के उत्तराखंड में था कि जो अपनी भाषा हो चाहे अपने गढ़वाल से लगाओ हो अपनी खेती बाड़ी से लगाओ हो तो वे के बारे में आप कोई एक प्रवासी उत्तराखंड में के संदेश देना चाहना है ना। मैं हमें भी तो केवल ये बात बोलना चाहो कि जितना भी हमारा लोग यक दिल्ली में अपर गाँव तो बिल्कुल नहीं भूला आप और साल में कम से कम एक बार अपना जरूर जाए और जय स्कूल में आप पढ़िया छन जो रस्तों में आप चले छन तो वो एक बारे में अगर अपर तरफ बैठे जब कभी आप कह सकते हैं कोशिश करें कि अपने गांव के बारे में करना और अपने गांव तक आप आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गिरियाल जी की आगने जब भी उत्तराखंड का कार्यक्रम या खोला उमा आप जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज गाँव की आवाज घर घर की आवाज पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे आप चैनल थी सब्सक्राइब करा शेयर करा अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख अपन ध्यान रखिया और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।